हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वीडियो तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो हाँ, ये वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। मैंने काफ़ी टाइम पहले आन जेनिफर्स टाइगर की वीडियो बना रखी थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि साउंड क्लियर नहीं था। और मुझे भी ये बात लगा कि हाँ, उसमें साउंड क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और इस वीडियो को बना लेते हैं। तो गाइज़, ये पोयम काफ़ी अच्छी है, आपको मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आन जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रियन रिच। आन जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, मतलब आन जेनिफर का टाइगर पर्दे पर उछल कूद कर रहा है। कोई टाइगर पर्दे पे कैसे उछल सकता है भाई? तो एक्चुअली आन जेनिफर ने टाइगर को इस तरीके से बनाया है कि लग रहा है कि वो पर्दे पे उछल कूद कर रहा है। ब्राइट टोपैज डेनिसंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो काफी ब्राइट है, काफी टोपैज है। टोपैज इन द सेंस जो बेसिकली टाइगर का जो कलर होता है उसी को टोपैज कलर बोलते हैं। तो काफी चमकीला कलर है उसका, जो उस ग्रीन वर्ल्ड का निवासी है। मतलब उस पूरे पर्दे पे सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही छाया हुआ है, वो ही निवासी है उस पूरे पर्दे का। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उसे कोई फियर नहीं है भाई उस इंसान से जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मतलब हो सकता है उस पूरे पर्दे पर एक आदमी को दिखाया गया हो, तो उस टाइगर को उस आदमी से भी कोई फियर नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो बहुत बहादुर है टाइगर। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, जो उसकी स्पीड है निश्चित ही वो काफी बहादुरी से भरी हुई है, काफी पराक्रमी से भरी हुई है। मतलब उसकी आंखों में कोई फियर नहीं है। वो जब चल रहा है, वो जब भाग रहा है, तो उसकी स्पीड में लग रहा है कि हाँ यार, ये जो टाइगर है ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही बहादुर है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने बस ये देखा है कि आन जेनिफर ने जो टाइगर बनाया है वो काफी बहादुरी से भरा हुआ है, काफी चमकीला है, काफी शाइनिंग है, उसे किसी भी इंसान से कोई डर नहीं लगता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें। आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, लेकिन आन जेनिफर जो इस टाइगर को बना रही हैं, आन जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उस वूल पे, वो उस ऊन पे कांप रही हैं। इन द सेंस जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन जिस हाथ से बनाया है वही हाथ कांप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवोरी निडल हार्ड टू पुल, यहां तक कि वो बड़ी मुश्किल से आइवोरी निडल, आइवोरी इन द सेंस हाथी के दांत की सुई, हाथी के दांत की सुई गाइस बहुत पतली होती है, यहाँ तक कि वो हाथी के दांत की सुई को भी ना खींच नहीं पा रही हैं। उनके हाथ इतने कांप रहे हैं, उनके हाथ इतने कमजोर हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड, मतलब जो अंकल की वेडिंग बैंड थी वो बहुत ही भारी है, मैसिव वेट है, जो बहुत ही हैवली आन जेनिफर के हैंड पे बैठ चुकी है। इसका मतलब सीधा सीधा बता दिया कि आन जेनिफर की उंगलियां कांप क्यों रही हैं, बिकॉज उनके हाथ में जो शादी की अंगूठी है उसकी वजह से है। शादी की अंगूठी की वजह से हाथ कैसे कांप सकता है? तो बेसिकली ये दिखाना चाह रही है पूरी पोयम एड्रियन रिच कि जो आंट है उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंस मिला हुआ है अपनी शादी से, उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंस मिला हुआ है अपने हस्बैंड से, इसीलिए उनकी उंगलियां कांप रही हैं। इसलिए नहीं कांप रही कि वो बूढ़ी हो चुकी है, नहीं बूढ़ी नहीं हुई वो, पर वो बहुत डरी हुई है, उनके पास बहुत बिटर एक्सपीरियंस है। क्या दिखा रखा है? द मैसिव वेट, अंगूठी है उसका वेट जो है काफी मैसिव है, काफी भारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको ये जो शादी है, उनको जो मैरिज लाइफ है, वो काफी भारी लग रहा है, काफी मैसिव वेट लग रहा है उनको, जो उनकी उंगलियों पे काफी भारी रूप से बैठ चुका है। इन द सेंस आन जेनिफर इस चीज को निकाल नहीं पा रही है, इस बिटर एक्सपीरियंस से बाहर नहीं निकल पा रही। तो पहला पैराग्राफ टाइगर की बहादुरी को दिखाया गया है, और दूसरा पैराग्राफ उस हाथों को दिखाया गया है जिस हाथ से टाइगर बन रहे हैं, और वो हाथ काफी कांपते हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। तो एक तरफ टाइगर जो बहुत बहादुर है, और दूसरी तरफ वो उंगलियां जो बहुत कमजोर हैं, बहुत डरी हुई हैं। लास्ट पैराग्राफ, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब जब आंट मर जाएंगी, अभी तो जिंदा है, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। अब गाइस, आपने नोटिस किया होगा पूरे पोयम में कहीं भी आन जेनिफर की बॉडी के बारे में, चेहरे के बारे में नहीं बात की। जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो वो घबराते हुए हाथ थे वो कहीं ना कहीं अभी भी अग्नि परीक्षाओं को ही झेल रहे होंगे जिसमें वो मास्टर्ड थी। मतलब उनके मरने के बाद भी उनको किस लिए याद किया जाएगा? उनके मरने के बाद भी उनके हाथ को उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद किया जाएगा कि उस बेचारी ने बहुत ही सारी अग्नि परीक्षाएं झेली हैं। लेकिन जो टाइगर उन्होंने पर्दे पे बनाया था वो आज भी उसी प्राउड के साथ, उसी घमंड के साथ, और बिना किसी हिचकिचाहट के कूदता रहेगा, भागता रहेगा।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक तरफ जो आन जेनिफर मरने के बावजूद भी उनको घबराते हुए ही याद किया जाएगा कि यार वो बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी, और दूसरी तरफ कभी भी देख लो उस टाइगर को वो कहीं ना कहीं भागते हुए ही और अनअफ्रेड दिखाई देगा। तो गाइज ये पोयम क्या कहना चाह रही है, तो ये पोयम एक महिला के इनर फीलिंग को बता रही है कि अंदर से वो अपने आप को टाइगर फील कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज लाइफ वो काफ़ी डरी हुई है। मरने के बावजूद भी उनको याद किया जाएगा कि वो बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो काफ़ी बहादुरी के साथ, काफ़ी घमंड के साथ, बिना किसी डरे हुए भागता रहेगा। तो ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग मेल सोसाइटी के ऊपर दिखाई गई है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है तो भैया लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। चलिए बाय, टेक केयर।